हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीरू स्टिचिंग में आपको स्वागत है। गाइस देखिए, मैंने इसका फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग अपलोड कर दी है। तो गाइस ये स्लीव्स कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बचे हुए कपड़े से मैंने इस तरीके से कपड़ा को सीधा कर लिया और लंबाई में ही देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करा पहले, अब इसको मैंने फोर फोल्ड में कर लिया। देखिए, अगर आप ये पूरा कपड़ा फोल्ड करेंगे तो सारा कपड़ा वेस्ट जाएगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बचाना सही रहता है एक साइड से। तो मैंने देखिए इस तरीके से इतना फोल्ड करा है। तो हमारी बाजू की लंबाई जो है, हमें पहले उसका निशान लगाना है जिधर साइड से हमने कपड़े को फोल्ड करा है। तो मैं बाजू की लंबाई 4.5 तैयार रखूँगी, तो मैंने 4.25 पे निशान लगाया है। यहाँ पे ऊपर के एक्स्ट्रा देखिए, वहाँ पे हमें लाइन खींच देनी जो आर्मोल की साइड होगी, सबसे पहले लाइन खींच देनी है। तो देखिए निशान मैंने लगा लिए, तो कट गया है थोड़ा सा वीडियो। तो देखिए किस तरीके से लगाएं, तो सबसे पहले मैंने लंबाई का निशान यहाँ पे लगाया आर्मोल की साइड ऊपर की साइड, तो मैंने एक ये देखिए और ऊपर की साइड से लाइन खींच दी एक, और फिर ये उसके बाद मैंने एक फ़िटिंग का निशान। तो मेरी बाजू फिटिंग है 5.5 इंच, मैंने वहाँ पे फिर इसमें मुझे 3.25 इंच का मार्जिन रखा है। जिनका ब्लाउज ने मार्जिन ज़्यादा कहा था, तो मैंने जितना मार्जिन रखा उसके सेंटर पे बिल्कुल एक पॉइंट मैंने लगाया है। गाइस देखिए इस तरीके से, फिर मैंने स्केल रखा, फिर ऊपर से ये देखिए आर्मोल की साइड से जो ऊपर की साइड आता है आर्मोल की, तो मैंने 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे मैंने ये यहाँ पे डाउन किया है। उसके बाद जो मैंने डाउन किया है यहाँ पे जितना मार्जिन है जो डाउन किया है, उसके आगे मुझे उतना ही मार्जिन रखना है 3.25 इंच का। फिर मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देना है इस तरीके से, और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग से। तो देखिए जो आर्मोल की साइड ये तैयार हो गया, ये लंबाई वाला, तो ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर देंगे बाद में। फिर आर्मोल की साइड से 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, और जो फिटिंग का कॉर्नर तैयार था उस वाले निशान से मैंने ये आर्मोल का निशान यहाँ पे मिला दिया। तो तीनों कॉर्नर तैयार हो गए, तीन कोने तैयार हुए। तो हमें इस तरीके से तो बाजू कटिंग करनी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा ही निकाल देंगे, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीका है। तो इससे हमारी बाजू फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए ये जो कोने बने हुए हैं, यहाँ पे हमें गोल शेप देना है बाजू का, जो हमारी बाजू का शेप आता है वो शेप यहाँ पे, और इस वाले कोने पे हल्का सा नीचे को गोलाई में डाउन करते हुए इस तरीके से जो बाजू का शेप आए, और इसको इस तरीके से शेप दे देना है बाजू का। तो देखिए ये वाली टेक्निक से अगर आप बाजू कट करेंगे तो बिल्कुल फिटिंग का आएगा। तो गाइज अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से बता दूँ, सबसे पहले मुझे बाजू की लंबाई का माप लगाना, उसके बाद बाजू की जो हम फिटिंग गोलाई करते हैं आगे से है ना, उसका माप लगाया, फिर मैंने 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लगाया है, फिर मार्जिन के बीच सेंटर से मैंने एक देखिए ये हमारा कितना सारा कपड़ा बच गया इस तरीके से कट करा। अगर हम गलत साइज से कट कर दें तो इतना हमारा कपड़ा बचता नहीं। तो गाइस देखिए ये मैंने इस तरीके से बाजू कटिंग कर ली, दोनों बाजू को मैंने अलग कर लिया है, और बाजू में हमें गोलाई देनी, तो अंदर की साइड दोनों सीधी होनी चाहिए या उल्टी साइड। फिर अब 1.5 इंच मैंने ऊपर से छोड़ते हुए बाजू की मैंने देखिए जहाँ से मार्जिन था उस कपड़े को छोड़ते हुए मार्जिन के आगे से मैंने पत्ती का शेप दिया है, और इतना मैंने आधे से 1.25 इंच मैंने इसमें गोलाई कट कर दी। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया है, मैंने लिख लिया है, और बैक पार्ट ये हो गया है। तो गाइस देखिए इस तरीके से पूरे ब्लाउज की कटिंग मेरी हो चुकी है, इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया। अब मेन फैब्रिक मैंने प्रेस करके अच्छे से ले लिया है, अब इसमें हमें तीनों ही बैक फ्रंट पार्ट रख देने हैं अच्छे से। मैंने इसको डबल फोल्ड करके लगा दिया है, इस तरीके से रखे कि हमारा कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, हमें डिज़ाइन वगैरह बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने किस तरीके से कपड़ा बचाया है, बिछाया हुआ है, तो मैंने दोनों इस तरीके से रखे, उधर का कपड़ा भी बच रहा है एक्स्ट्रा, और इधर से भी एकदम सीधा कपड़ा निकलेगा। आप देखिए कटिंग करने के बाद एकदम सेफ कपड़ा हमें रखना चाहिए कि हमारे लिए आगे डिज़ाइन वगैरह बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा हम बचा सकें, बेकार ना करें। कभी क्या होता है हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है, कम होता है तो ठीक है, मगर फिर भी हमारा कपड़ा ज़्यादा था, ये ऐसा ना हो कि अब कपड़ा बचाने के चक्कर में आप फैब्रिक को गलत कट कर दें, नहीं, मतलब हमें हमारा ब्लाउज कट अच्छा हो जाना चाहिए, कपड़ा बचाना नहीं हमारा मतलब, कि ब्लाउज ऐसे कट करें अगर हमें कोई डिज़ाइन वगैरह डालनी हो तो हमें कपड़ा थोड़ा सा साइड से बराबर बराबर से मिल जाए, इस तरीके से बस ये कहने का मतलब। जैसे ये देखिए मैंने एक साइड से पट्टी इतनी कट करी, अगर आप डिज़ाइन वगैरह बनाओगे तो ये हमारे काम में आ जाएगा, अगर आप इधर उधर रख दोगे पीस को तो क्या होता है कि कपड़ा तो वेस्ट जाता है, वो काम में आता नहीं है, और डिज़ाइन के भी काम नहीं आता हमारे। तो हमने इस तरीके से रखना चाहिए कपड़ा हमारा स्ट्रा। तो देखिए बाजू इस तरीके से रखेंगे तो हमारा कपड़ा बिगड़ेगा, ऐसे ही बिगड़ेगा। तो ये हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखिए इस तरीके से सेट करेंगे पूरा चारों तरफ से एक लाइन से। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू रखी, तो भी एक साइड से एल साइज का ये कपड़ा हमारा इस तरीके से बचेगा।
जिसे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ इस तरीके से कपड़े को कट करिए। तो हमारी ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये बाजू कटिंग आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगी कैसी लगी वीडियो। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर अच्छा लगे तो भी बताएं, नहीं अच्छा लगता है वीडियो तो भी बताएं, कुछ पूछना है तो भी बताएं। तो देखिए गाइज, ये तीनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं, मेन फैब्रिक और अस्तर वाला। बाय गाइज, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।